जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की, जय हो। आइए गौ माता को डेडिकेट करते हुए एक गीत आप लोगों के बीच में गौ माता का भजन रख देते हैं। किस प्रकार से सुनिए भला। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। खुले शब्दों में कह दूं बुरा ना मानना, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा वतन बिक रहा है। मेरे देश में जब गौ माता का मान किया करते थे, यूरोप के सब देश यहाँ पर टैक्स दिया करते थे, गांजा सुल्फा चरस तमाकू नहीं पिया करते थे, तभी तो 250 वर्ष यहाँ के लोग जिया करते थे और गौ का दूध पीते थे। वो गौ जिसको श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कितना महत्व दिया, लेकिन आज वो गाय हमें पुकारती है कैसे भला। है रो रो के पुकारती, मां हमको निहारती, ये गैया गैया गैया, ये गैया गैया गैया, ये गैया श्री राम, ये गैया गैया श्री राम की, ये गैया घनश्याम की, रो रो के पुकारती, मां हमको निहारती, रो रो के पुकारती, मां हमको निहारती, ये गैया गैया गैया, ये गैया गैया गैया, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की। जिसने पिलाया दूध अपने ही बछड़े का, जिसने पिलाया दूध अपने ही बछड़े का, उसको सहारा केवल कूड़े और कचरे का, उसको सहारा केवल कूड़े और कचरे का, ये माता के नाम की ये गैया गैया गैया, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की। ये हमारी है तो बचाना है हमको, माँ ये हमारी है तो बचाना है हमको,
विश्व गुरु भारत को बनाना है हमको, विश्व गुरु भारत को बनाना है हमको, तैयारी हो संग्राम की, गौवध पे विराम की, तैयारी हो संग्राम की, गौवध पे विराम की। आइए एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे गौ माता की जय, ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलेंगे गौ माता की जय, और एक बार मेरे साथ गाएंगे ये गैया गैया गैया, ये गैया गैया गैया, और हाथों की तालियों के साथ ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की, हमको निहारती के पुकारती, हमको निहारती, गैया गैया गैया, ये गैया गैया गैया, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम की, ये गैया घनश्याम की, ये गैया श्री राम का। एक बार कहिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, वैदिक धर्म की जय, और एक बार कहेंगे युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय। और आइए एक गीत का और आदेश हुआ है, ये गीत आप कई बार सुन चुके हैं, बछड़ा और गाय दोनों बंधे हुए हैं कत्ल खाने में, स्वामी भीष्म जी महाराज ने भजन लिखा, वो बछड़ा अपनी गौ माता से कह रहा है माँ वधशाला में बछड़े का ये गऊ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का ये गऊ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है, मधशाला में बछड़े काये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है, कह रहा है वो बछड़ा बाप, कहने लगा लाया था पकड़ के हमको नीले कपड़े वाला कौन, लाया था पकड़ के हमको नीले कपड़े वाला कौन, इस घर में रोक करके लगा गया ताला हो, इसी घर में रोक करके लगा गया ताला कौन, हड्डियों का ढेर घर ये, हड्डियों का ढेर घर ये दुर्गंधी की खान है, किसका मकान माये किसका मकान है, मधशाला में बछड़े का ये गऊ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। बछड़े से कल मौत मेरी आएगी, गौ बोली बछड़े से कल मौत मेरी आएगी,
जाएगी कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी हो कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी मुझको जो मारेगा मुझको जो मारेगा ये वही बेईमान है किसी का मकान माये किसी का मकान है वधशाला में बछड़े का ये गऊ से बयान है किसी का मकान माये किसी का मकान है किसका दूध पीऊंगा बछड़ा बोला माता से फिर किसका दूध पीऊंगा मेरे बिना कौन मेरा किसके सहारे जीऊंगा तेरे बिना कौन मेरा किसके सहारे जीऊंगा जाके कह दो मोदी जी से जाके कह दो मोदी से जो मंत्री प्रधान है किसी का मकान माये किसी का मकान है वो किसी का मकान माये किसी का मकान है ऐसे काम को तो बेटा कोई शूरवीर करे ऐसे काम को तो बेटा कोई शूरवीर करे भीष्म सा ब्रह्मचारी या बलदेव सा फकीर करे भीष्म सा ब्रह्मचारी या बलदेव सा फकीर करे हरियाणे में रहा करे से हरियाणे में रहा करे से घरौंडा स्थान है और आइए तालियों के साथ इस हवन की सफलता पर भी आयोजक संयोजक बंधुओं को बधाई देते हैं और तालियों के साथ किसी का मकान माये किसी का मकान है किसी का मकान माये किसी का मकान है ओ भारत महान माये भारत महान है भारत महान माये भारत महान प्रदीप जी आदरणीय भाई सुंदर जी एक डिमांड आ रही है आप